अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में क्वान और लिंक को ऑफिस में भेज दिया जाता है कि वो सफाई दे सके। लिन ऑफिस में पहुँच कर बोलता है कि हम लोग अंदर आ सकते हैं। सर बोलता है आ जाओ। क्वान मैंगून और तुम कौन हो? लिन बोलता है मैं लिन फेंग हूँ। फिर डेंग बोलता है चलो पॉइंट पे आते हैं, मुझे बताओ तुम दोनों ने चीटिंग क्यों किया है? अगर मैं तुम्हारे जवाब से सेटिस्फाई हो गया तो मैं तुम दोनों को नहीं निकालूंगा। फिर मैं सीधा बोलता हूँ कि मैं चीटिंग नहीं किया और वो मेरा टेस्ट नहीं दिया। डेंग बोलता है तुम कभी भी इतना मार्क्स नहीं ला पाते हो, तुम हमेशा फेल मार्क्स ही लाते हो, तुम ही चीट किए हो गया। ये एक नया आरोप है तुम पर और इसका एविडेंस भी हमारे पास है। फिर तुम क्या प्रूव कर सकते हो कि तुमने चीटिंग नहीं किया? क्या तुम्हें हिम्मत है एक और टेस्ट देने की? तुम चीट नहीं किए हो तो डर किस बात की है तुम्हें? फिर लिन उस तरफ इशारा देते हुए बोलता है मैंने सुना है कि ये टेस्ट तुमने डिजाइन किया इस बार, क्या ये सारे क्वेश्चन नोटबुक से हैं? डेंग बोलता है ये क्वेश्चन मैथमेटिकल ओलंपियड के लिए है, मैं बहुत ही मुश्किल से इन्हें सॉल्व कर पाया हूँ। लिन उस पेपर को उठाते हुए बोलता है सही में तुम्हारा सॉल्यूशन अच्छा ही है लेकिन मैं इससे अच्छा कर सकूँगा। फिर वहाँ से पेन उठाकर बोलता है मुझे ट्राई करने दो इसे। डेंग गुस्से से बोलता है तुम बच्चे कितना बेशरम हो और रेस्पेक्ट भी नहीं करो मेरा। लिंग वो सम्स सॉल्व कर रहा होता है और बोलता है प्लीज़ गुस्सा मत होइए, सिर्फ इसे देखिए। फिर लिंग उन सवालों को जवाब देने लग जाता है। फिर कुछ देर बाद बोलता है मेरा हो गया। फिर उसे डेंग को दे देता है। डेंग इसे देखकर बोलता है ये तुम कौन हो? लिन बोलता है मैं अंदर आया था तभी तो बोल दिया था कि मेरा नाम लिन फेंग है। डेंग बोलता है तुमने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है वो सिर्फ कॉलेज में ही सिखाया जाता है, तुमने ये कहाँ से सीखा? लिन बोलता है सेल्फ स्टडी करके, मैं घर जाकर अपने से ही पढ़ता हूँ इसलिए मुझे क्लास में नींद आता है। मैथ को छोड़कर तुम्हारा सारा सब्जेक्ट बर्बाद है, तुम उसे भी सेल्फ स्टडी में लाओ। लिन बोलता है इसलिए मैंने जास किया सेल्फ स्टडी पढ़ने का और मुझे परफेक्ट स्कोर मिला है। डेंग बोलता है कि तब तुम पहले एग्जाम इतना बेकार क्यों दिए थे? लिन बोलता है टीचर के बहुत ही खराब व्यवहार होता है क्योंकि मैं सो जाता था क्लास में और मुझे इससे बहुत ही खराब लगता था इसलिए मैं एग्जाम को सीरियसली देता नहीं था। अगर मैं एग्जाम को सीरियस लूँ तो मैं शायद अगली बार 750 पॉइंट ला दूंगा नेशनल एग्जाम में। डेंग बोलता है तुम्हारे जैसे लोग को आज़ादी देनी चाहिए, मैं सारे टीचर को बता दूंगा कि तुम अब से क्लास में सो सकते हो जब तुम्हारा मन करे लेकिन तुम टेस्ट को सीरियसली लेना आगे चल के, तुम घर में पढ़ सकते हो अगर तुम्हें आने का मन नहीं स्कूल तो, चलो मैं तुम्हें क्लासरूम में ले जाता हूँ। लिन बोलता है रहा बात क्वान की, वो मेरा एग्जाम नहीं दिया, वो शायद गलती से मेरा नाम लिख दी होगी अपने एग्जाम में। डेंग बोलता है तुम्हारे जैसे जीनियस को किसी और के टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। क्वान अपने मन में बोलती है अचानक से मुझे अजीब सा फील आ रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है कि इसमें कुछ चेंज हो गया है। लिन बदल गया पूरी तरह, जिसे मैं जानती थी वो नहीं है अब। डेंग आकर बोलता है मिस्टर जू मुझे पता नहीं था तुम्हारे क्लास में इतना जीनियस बड़ा हुआ है। जू बोलता है डायरेक्टर फैंग आपका क्या मतलब, ये तो अजीब सा सॉल्यूशन किया हुआ ही है। डेंग बोलता है हमारे स्कूल कुछ सालों से पिक में नहीं है, लिन हमारी रेपुटेशन को बचा सकता है, लिन फेंग आगे चलकर चैंपियन बनेगा। जू बोलता है डायरेक्टर डेंग आप पागल हो चुके हो, लिंक कैसे चैंपियन बन सकता है? मुझे जितना पता है इसके बारे में ये पूरी तरह बेकार लड़का है। डेंग गुस्से से बोलता है अगर तुम इसे ऐसे ही बर्ताव करोगे इसके साथ तो फिर ये टेस्ट देगा नहीं, तुम ऐसे ही एक जीनियस को बर्बाद कर दोगे। लिन फेंग हमारे स्कूल का आशा है, मुझे आशा है कि आप अपने एटीट्यूड पर काम करेंगे। वहाँ के स्टूडेंट ये सब बातें सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक लड़की बोलती है डायरेक्टिव टिंग का मतलब क्या है इसका, आशा वो भी लिन फेंग ये कैसा हो सकता है? दूसरी तरफ डेंग बोलता है मैं तुम्हारे काम को फिर से देखता हूँ। फिर वो सभी को बोलता है जो कैंडिडेट है मैथमेटिकल ओलंपियड के वे हैं लिन फेंग और क्वान। जो बोलता है मुझे इसमें बहुत ही डर लग रहा है, जाओ चिल्लाकर बोलता है आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खराब बात है। डेंग बोलता है तुम कौन हो? जाओ बोलता है मेरा नाम जाओ जिनबाई है, मैं इस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। डेंग बोलता है वे लोग चुने गए हैं क्योंकि वो लोग सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए एग्ज़ाम में, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? जाओ बोलता है ये सिर्फ मैं और कुआन तो टॉप टू में थे, लिन सही में चीटिंग किया होगा, वो कैसे फुल स्कोर में ला सकता है? आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते हैं इसके चीटिंग करने के बावजूद भी, और इसके अलावा आप इसे कैंडिडेट भी बना दिए,
ये बहुत ही कचरा हो रहा है, टैंग बोलता है तुम मुझ पर शक कर रहे हो लिन फेंग को कवर करने पे, तुम्हें पता है ना, जाओ बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, मैं गलत के आगे आवाज़ उठाऊंगा स्टूडेंट होने के कारण। लिन अपने मन में बोलता है ये बहुत ही बकवास कर रहा है, वो कुआन के करीब जाना चाहता है, उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके उसके साथ। डेंग लिंग को बोलता है सभी लोग यहाँ पर है ना, लिन फैन कैसा रहेगा कि तुम इसे चैलेंज करो। लिन बोलता है ठीक है, डेंग जू को बोलता है कुछ क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड में लिख दो, जू फिर लिखना स्टार्ट कर देता है। फिर डेंग सभी को बोलता है लिंग सभी के सामने इस क्वेश्चन का जवाब देगा, तुम लोग अपनी आंखों से देखना अगर ये चीटिंग कर रहा है कि नहीं। जू बोलते हैं इन तीन क्वेश्चन को ख़त्म करने के लिए एग्जैक्टली 30 मिनट का समय लगता है, शुरू करो तुम लोग। फिर कुछ देर के बाद लिंग वहाँ से चला जाता है और अपने मन में बोलते हैं मुझे 10 मिनट लग गया उन सवाल को ख़त्म करने में, जाओ 30 मिनट में एक ही सवाल ख़त्म कर पाया कोई फ़ायदा नहीं, ये मेरी जीत हुई। फिर उसे अचानक से किसी की आवाज़ आती है, वो कोई बोल रहा होता है, हाँ मैं समझ गई। लिन अपने मन में बोलता है डुआन, डुआन किसी से बात कर रही होती है और वो बोलती है शांत हो जाओ, हम लोग इस हफ्ते जरूर कामयाब हो जाएंगे, मुझे बेसिन का पूरा रूटीन के बारे में पता है, हाँ मुझे ये पता है कि ये टास्क मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिन अपने मन में बोलता है ये मुझे मारने का प्लान बनाना स्टार्ट भी कर दिया, अगर ये बेसिन को मारने में कामयाब हो जाएगी तो मैं इसके लिए अपराधी होऊंगा, मुझे उन दोनों को पहले बताना चाहिए। फिर वो फ़ोन लगा देता है और अपने मन में बोलता है धत तेरी की, मैंने सोचा कि मेरे पास अभी भी समय है। हेलो बेसिन, तुम अपनी बहन को जल्दी से खोजो, वो किलर, मुझे उसके लिए सुराग मिल गया है जो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। फिर वो भागते हुए बेजुई के पास जाता है और बोलता है बेजुई मुझे वो सुराग मिल गया है। बे बोलती है तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या किलर मिल गया। लिन बोलता है थोड़ा रुको, तुम्हारी बहन को आने दो, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसी समय बेसिन आ जाती है और बोलती है बताओ बता दो तुम्हें क्या सुराग मिला है। लिन फेंग बोलता है मुझे वो एसेसिन मिल गया है। बे बोलती है क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो ना। बेसिन बोलती है कौन है वो हमारे स्कूल से है क्या। लिन बोलता है तुम लोगों को तो पता ही होगा कुछ दिन पहले स्कूल में एक टीचर आई थी, मैंने अपने कानों से सुना वो एक्शन लेने वाली इसमें, लेकिन अभी तक वो उसके बारे में कुछ बोली नहीं है कि वो मारेगी या कुछ और करेगी, इसलिए मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ कि वो क्लियर है कि नहीं। बेसिन बोलती है तुम्हें क्या लगता है बहन। बे बोलती है हमें अपना गार्ड को नीचे नहीं करना चाहिए, अभी सबसे अच्छा रहेगा कि उसे ख़त्म कर दिया जाए। लिन बोलता है उसे मार दिया जाए, वो तो अभी तक सस्पेक्ट ही है, ये बहुत ही सख्त हो गया है। रुक जाओ अभी इतना जल्दी मत करो, अगर हम लोग गलत आदमी को चुन लेंगे तो हम लोग मासूम लोगों को चोट पहुंचाएंगे इससे। बे बोलती है हमें किसी चीज़ को भी मारना पड़ेगा जो इसके रास्ते में आएगा, अगर एसिन को कुछ भी हुआ तो तुम इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। लेन बोलता है शांत हो जाओ, मेरे पास अच्छा रास्ता है उसे कन्फर्म करने के लिए कि वो सही में किलर है कि नहीं। एसिन बोलती है तुम उसे क्यों बचा रहे हो, क्या तुम उसके प्यार में गिर गया हो क्या, तुम सही में बहुत ही बेकार हो। लिन बोलता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे कैसा फील हो रहा है उसके लिए, पहले तुम मेरे आइडिया को सुन लो फिर तुम लोग डिसीजन लेना कि क्या करना होगा, ये कैसा रहेगा तब। इसीन और बे ली को घूरते हैं, बे बोलती है ठीक है तुम अपना आइडिया बताओ मुझे। लिन अपना आइडिया उसे बता देता है और बोलता है यही है, तुम्हें क्या लगता है इसके लिए। बे बोलती है मुझे लगता है कि ये आइडिया काम करेगा, तुम्हें क्या लगता है इसीन। इसीन बोलती है तुम्हें ऐसा लगता है कि ये काम करेगा तो मुझे इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लिन उन दोनों को बोलता है फिर मुझसे प्रॉमिस करो कि ये मिशन ख़त्म हो जाएगा फिर। फिर वो दोनों गुस्से से बोलती है तुम्हारा क्या प्लान है, फिर से वही सब करने वाले हो क्या तुम। लिन बोलता है प्लीज़ इसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत समझो, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है तुम दोनों के साथ कुछ करने का। लिन बोलता है बात यह है कि तुम लोगों ने जो पहले बोला था वो गलत नहीं है, मैं उस नए टीचर को थोड़ा सा चाहने लगा हूँ, तो ये बात मानना अगर मैं तुम लोगों को बचा लूँ उस किलर से प्लीज़ उसे चोट मौत पहुँचाना, जो कर रही है वो उसे करने देना शांति से। बे बोलती है मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर वो किलर होगी तो मैं कुछ नहीं करूँगी, शांत रहूँगी, हम लोग उसे नहीं मारेंगे। फिर वो अपने मन में बोलती है मुझे लगता है कि तुम्हें मिथ के बारे में कुछ नहीं पता है, वो अपने हारे हुए साथी को मार देते हैं, तुम जो बोल रहे हो वो पहले से ही बेकार की बातें हैं। इसीन लिन को बोलती है तुमने कुछ दिन पहले मुझे लव लेटर लिखा था और तुम्हारा अभी नया एक स्वीटहार्ट बन गया,
कितना बकवास बात है ये। लिन बोलता है क्या तुम्हें जलन हो रहा है, अभी भी बोल दो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो ना। इसीन गुस्से से बोलती है फिर से बोल के देखो तुम। लिन अपने मन में बोलते हैं मुझे इन लोगों के सामने इतना डर क्यों लगता है। हाँ क्योंकि मैं बहुत ही ताकतवर हूँ शायद। फिर लिन उन दोनों को बोलता है ठीक है हमारे प्लान के हिसाब से ही प्रिपेयर करना, ठीक है मैं चलता हूँ। बे इसीन को बोलती है क्या तुम जल रही हो। इसीन बोलती है ये कैसे हो सकता है, लेकिन वही पहला था जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था और ये इतनी जल्दी। फिर वो अपने मन में बोलती है ऐसा क्यों लगता है कि मैं उससे प्यार करने लग रही हूँ।